हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर अपन लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंकर है। आज हमारे पास जो है एवेंजर कैरेक्टर वाले जो है अमेजिंग जो है प्लेइंग कार्ड्स अवेलेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों पोकेमोन कार्ड के साथ साथ जो है अभी इस तरीके के कार्ड्स के भी जो है काफ़ी ट्रेंड जो है शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो इसके और भी हमने दो तीन वर्जन जो है बनाया था, उसमें बारबी था, क्या बोलते हैं कि एवेंजर था, और उसके अलावा जो था क्या बोलते हैं स्पाइडरमैन कैरेक्टर था। तो ये वाले के अंदर भी जो है आपको उसी के जो है बेबी वर्जन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है क्या बोलते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसके अलावा यहाँ पे कैप्टन मार्वेल है दोस्तों, यहाँ पे जो है कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, और उसके अलावा बस यही कैरेक्टर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये एक पैकेट जो है आपको 10 रुपये में पड़ेगा। तो ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके जैसे जितने भी कार्ड के दोस्तों वीडियोज़ हमने बनाए हैं, पोकेमोन कार्ड है, एवेंजर कार्ड है, बारबी कार्ड है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर कैसे कार्ड निकलते हैं। तो इसमें एक्चुअल में ऊपर के कैरेक्टर के वाइज मतलब अकॉर्डिंग इसमें कार्ड नहीं होते, इसमें रैंडम कार्ड ही होते हैं दोस्तों। तो आपको वो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने ये ले लिया तो फिर उसमें अंदर उसके टाइप का ही कार्ड आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हल्क का कार्ड है, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है अट्रैक्टिव है। फिर यहाँ पे कोई और एक कैरेक्टर है दोस्तों, और यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, आयरन मैन है। ओके, तो यहाँ पे सुपर हीरो के जो है कार्ड है, बट कार्टूनाइज करके इन लोगों ने बनाया हुआ है। अब इसको कैसे खेलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड्स है दोस्तों। और इसके अंदर जो है अलग अलग यहाँ पे आपको जो है क्या बोलते हैं कि नंबर मिल जाने चाहिए थे, बट है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस तरीके का इसमें डिफरेंशिएटर यहाँ पे दिया गया है कि एक में मुट्ठी बंद है, एक में मुट्ठी खुली हुई है। और यहाँ पे जो है आपको कुछ नंबर भी दिए गए हैं दोस्तों, और कुछ में सेम है, कुछ में अलग अलग है दोस्तों। तो उसके बेस पे जो है आप अपना गेम बना के खेल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मुझे लगता है रॉक पेपर सीजर जो है ना उसका बेस पे यहाँ पे है, सीजर है, रॉक है, तो उसके बेस पे आपका कार्ड आपको चूज़ करना है, और उसके बेस पे आपके पॉइंट कैलकुलेशन हो, ऐसा मेरे को यहाँ पे लग रहा है दोस्तों। तो अगर आपको इसके बारे में एग्जैक्टली पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉक पेपर सीजर वाला ही कंसेप्ट इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है, और यूट्यूब पर भी अभी काफ़ी ये वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक साइड से ऐसा कार्ड है, एक साइड से इस तरीके का है, 8 कार्ड आपको मिल जाते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे गेम है, इसको आप ज़रूर से ट्राई करिए और अपने अनुभव जो है कमेंट में शेयर करिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, एंजॉय।